अपनी हॉरर डोज को सेटिस्फाई करते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाइए, ताकि आप मेरी कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना कर दो। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसी भूतिया एंड पैरानॉर्मल एक्टिविटी से भरपूर हॉन्टेड वीडियोस दिखाऊंगा, जिसको देखने के बाद आप कोई मंत्र पढ़े बिना तो सो ही नहीं पाओगे। तो आइए बिना किसी देरी के आज के हमारे इस हॉन्टेड सफर को अपनी पहली वीडियो से शुरू करते हैं। आज की हमारी पहली वीडियो में आप देखोगे कि जब एक दोस्तों का ग्रुप आपस में ओइजा बोर्ड गेम को खेल रहा था, तब उनके साथ मौजूद एक लड़की की शक्ल में बदलाव आने लगते हैं, जिनको उसके दोस्त लाइव तो नहीं देख पाते, लेकिन ये चीज कैमरा में अच्छे से कैप्चर हो गई थी। What the fuck? Face has completely changed. Doesn't even look like a person. Right, Debbie, you need to come down here for a minute, please. हम देख सकते हैं कि इस लड़की का चेहरा बिल्कुल बदल जाता है और इसके होंठ भी लंबे और काले नजर आते हैं। इसके साथ ही साथ इसके आंखों के आसपास का रंग भी गहरा होने लग जाता है, और इतना ही नहीं, इस लड़की की आंखें भी चमकती हुई दिखाई देती हैं। जब इसके दोस्तों ने बाद में इस फुटेज पर गौर किया, तब वो सारे भी काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और काफ़ी हैरान भी हो जाते हैं। तो क्या ओइजा बोर्ड से खेलने के कारण इस लड़की में किसी आत्मा का वास हो गया था, जिसके कारण से इसके चेहरे पर ऐसे बदलाव होने लगे? आपको क्या लगता है? आज की हमारी दूसरी वीडियो, लंदन के विकर्स हिल के अंदर किसी व्यक्ति ने अपने गाड़ी के डैश कैम में रिकॉर्ड करी थी। विकर्स हिल को लंदन की टॉप घोस्ट साइटिंग्स एंड पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की लिस्ट में भी जगह मिल चुकी है, और वहां के लोगों का ये कहना है कि एक औरत की उस जगह पर दुर्भाग्यवश मौत हो गई थी, जिसके बाद से उसकी आत्मा वहां की सड़कों पर अक्सर भटकती हुई दिखाई देती है, और उसकी आत्मा को द ग्रीन लेडी घोस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि माना जाता है कि उस औरत की आँखें गहरे हरे रंग की हुआ करती थी। तो जब एक रैंडम व्यक्ति उस जगह से अपनी गाड़ी में बैठकर डैश कैम रिकॉर्डिंग को ऑन करता है, तब हमें कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है। हम देख सकते हैं कि कोई आत्मा उसके कैमरा में कैप्चर हो जाती है, जो उसके राइट साइड में मौजूद दीवार के अंदर से आर पार भी हो जाती है। इस आत्मा की वेशभूषा भी वहां के किसी औरत की तरह ही दिखाई देती है। तो क्या सच में वो आत्मा द ग्रीन लेडी घोस्ट की थी? अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा। आज की हमारी तीसरी वीडियो पेरू के किसी बैंक से है, और जब बैंक के कुछ कर्मचारी लंच ब्रेक के दौरान एक साथ इकट्ठा होकर बातचीत कर रहे होते हैं, तब उनमें से ही एक एम्प्लॉय अपने नए फ़ोन के कैमरा की टेस्टिंग के लिए वीडियो बना रहा होता है, और जब वो वीडियो बना रहा होता है, तब उसको अपने कैमरा के अंदर कुछ काफ़ी अनयूजुअल सी चीज़ भी दिखाई देती है। वीडियो में हम देख सकते हैं कि एक काले रंग की शैडो फिगर उसके बैकग्राउंड में से काफी तेज गति से जाती हुई दिखाई देती है, जिसके बारे में वो बाकी मौजूद एम्प्लॉयज़ को भी बताने की कोशिश करता है, और जब वो उस जगह पर जाकर चेक करता है, तब वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं होता। इस सीन के बाद
जब उसी बैंक के फ्रंट डोर वाले सीसीटीवी फुटेज को चेक किया गया तब आप लोग देखोगे कि उस बैंक का दरवाज़ा भी अपने आप ही खुलता है और फिर बंद हो जाता है। हवा से वो दरवाज़ा ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता क्योंकि वो दरवाज़ा बहुत ज़्यादा भारी था। तो आप लोगों के हिसाब से क्या वो कोई भटकती आत्मा थी जो उस बैंक में अक्सर दिखाई पड़ती रहती है? अपने ख्याल जरूर प्रकट करना। आज की हमारी चौथी वीडियो जापान के किसी सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्डिंग है जिसके अंदर एक एम्प्लॉई ऑफिस आवर्स के बाद कुछ एक्स्ट्रा काम निपटाने के लिए पूरे ऑफिस में अकेली रुकी हुई थी और जैसे जैसे वो अपना काम ख़त्म कर रही होती है उसी वक्त उसके साथ काफ़ी भयानक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ भी घटित होना शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले उसके पीछे डेस्क पे रखे कुछ कागज अपने आप ही गिर जाते हैं। उसके बाद पीछे मौजूद कुर्सियां भी अपने आप ही हिलने लगती हैं। लेकिन सबसे भयानक नज़ारा तो तब घटित होता है जब वो लड़की अपनी कुर्सी से उठती है और कोई अनजान शक्ति उसको नीचे गिराकर अपनी तरफ खींचने लगती है। तो आप लोगों के हिसाब से आखिरकार उस ऑफिस में हुआ क्या था और उस लड़की के साथ क्या हुआ होगा? अपनी राय जरूर बताइएगा। आज की हमारी आखिरी वीडियो लाइफ ऑफ लग्जरी नामक एक यूट्यूब चैनल ने पोस्ट करी थी जिसके अंदर लाइफ ऑफ लग्जरी के एक दोस्त कुछ दिनों से अपनी मॉम की मानसिक हालत को लेकर काफ़ी परेशान चल रहे थे और उन्होंने उनको ये बताया कि रात के समय में उनके रूम से रोने और चिल्लाने तक की आवाज़ें भी आने लगी थी। तो लाइफ ऑफ लग्जरी की टीम ने उनकी मॉम के रूम में दिन के वक्त में एक सर्वेलेंस सिस्टम फिट कर दिया ताकि वो देख सकें कि आखिरकार रात में उनके दोस्त की मॉम करती क्या थी और फिर जो कैमरा में कैप्चर हुआ वो आपके होश उड़ा देगा। मैं इस वीडियो में आगे कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहूँगा क्योंकि मुझे ये वीडियो काफ़ी रियल लगती है और जो कुछ भी इनकी माँ के साथ प्रॉब्लम चल रही हैं मुझे उम्मीद है कि वो जल्दी ख़त्म भी हो जाएंगी। खैर, अगर आप इस वीडियो के बारे में कोई सुझाव देना चाहते हो तो ज़रूर दीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपका आज का हॉरर डोज भी सेटिस्फाई हो गया होगा और अगर आप मेरे साथ ऐसे और भी हॉन्टेड सफ़र पर जाते रहना चाहते हो तो स्केरी पिल्स को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और वीडियो देखकर थोड़ा डर गए हो और थोड़ी कॉमेडी वीडियोस भी देखना चाहते हो तो मेरे दूसरे चैनल माउंट साइडर को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करें और कुछ एक्स्ट्रा स्केरी पिल्स रिलेटेड चीज़ों के लिए मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज पर भी ज़रूर से फॉलो करें, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक और रोमांचक हॉन्टेड सफर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।